नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आप आइस के डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन आर्टिकल, जिसमें से पहला आर्टिकल है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है ना। ये आर्टिकल अभी जैसे अयोध्या मामले का जो हाल ही में फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। हालांकि हम लोगों ने स्पेशल एक वीडियो ही अयोध्या मामले पे डिस्कस किया है, तो उसमें आपके पूरे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने उसको काफ़ी विस्तार से चर्चा किया है, इसके जो भी पॉइंट है ना, तो हालांकि इसमें रिपीट ही होगा, लेकिन हम एक बार इसको थोड़ा सा व्यू देखें, कुछ उसमें नई चीज़ आपको भी जानने को मिल सकती है। कुछ यहाँ पास व्यू राइटर के ना इस एडिटोरियल में, तो उसको हम लोग समझेंगे। और वहीं अपना नेक्स्ट हम आर्टिकल की बात करते हैं, तो ये अपना आर्टिकल है व्यक्ति, समाज और मर्यादा ना, यानी कि ये कह सकते हैं इसको आपकी एथिक्स का पार्ट हो सकता है कि यहाँ पास हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल के बारे में अच्छा आर्टिकल है ना, जिस प्रकार से लोक सेवक से अपेक्षा भी की जाती है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसी चीज़ें इसमें होनी चाहिए ना, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल थोड़ा सा यहाँ पास और कुछ समाज को भी अब इसमें इंटीग्रेट करता है ना, और उससे संबंधित हम इसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब कि एक प्रकार से रोबोट्स वगैरह तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रकार से यहाँ पास एक रिपोर्ट का भी यहाँ पास हवाला दिया गया है, और इसमें बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले हैं। यहाँ पास इस आर्टिकल में जो है तो इसी बारे में डिस्कस किया गया है, किस प्रकार से जो है तो इस ऑटोमेशन से ना, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने से जो महिलाओं के रोज़गार में जो भूमिका है वो कम होती जा रही है ना, तो इसमें यानी कि जिस प्रकार से महिलाओं को वैसे भी काफ़ी कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में, तो वैसे भी इस वजह से एक प्रकार से ये जो है तो और भी ज़्यादा इसके लिए जो है तो रोज़गार को कम करने में ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बढ़ावा दे रहा है, तो इसीलिए जो है तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल ये है, बिजनेस स्टैंडर्ड वाला आर्टिकल था कि तब विवाद होगा ख़त्म। यहाँ पास आर्टिकल में जैसे बात करते हैं कि यहाँ पास अभी हाल ही में जो अपने लगभग कह सकते हैं कि इतना पुराना कई दशकों से ये लंबित जो मामला था अयोध्या मामला, तो बहुत ही बहुप्रतीक्षित निर्णय भी हाल ही में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन इसको कहा जा सकता है ना, क्योंकि इससे जो है तो हमारे जो हम देश की बात करते हैं, तो इससे जो है तो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो देश का विकास ही था एक अवरुद्ध सा था पूरी। एक प्रकार से जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो राजनीति में ज़्यादातर ये इसी प्रकार के मुद्दों को जो है राजनीतिक पार्टियाँ इसका लाभ उठा करके और एक प्रकार से लोगों में पोलराइजेशन करती थी है ना, और खाली वोट बैंक की पॉलिसी ज़्यादा देखने को मिलती, तो इससे जो है एक प्रकार से इसका जो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन मतलब कि रिजल्ट उसने निर्णय दिया है, तो इसको बहुत ही अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है। और इससे जो है तो अपना देश एक प्रकार से जो विकास है तो जो एक प्रकार से किसी न किसी तरह से एक प्रकार से डाइवर्ट हो रहा था ना, जो कह सकते कि जो विकास का मुद्दा था तो कहीं ना कहीं गुमसा हो गया था, तो वो जो है तो वो एक प्रकार से और सेंट्रलाइज होगा और बेहतर तरीके से जो है तो एक अच्छा देश के हित में ये डिसीजन को माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पास अब राइटर के साथ बात यहाँ पास की जाए तो जैसे कि यहाँ पास उन्होंने बताया कि ये जो डिसीजन आया है तो इससे तो ये जो दशकों से चला रहा है मामला था जमीन विवाद का, ये आखिरकार एक प्रकार से ख़त्म हो जाने की तो इसकी उम्मीद तो इस निर्णय से बढ़ ही गई है ना, और इस विवाद ने जो है तो भारतीय राजनीति और समाज का जिस प्रकार से स्वरूप बदल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं जैसे उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले के पीछे जो वजह भी बताई है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि उसने जो है तो कानूनी दायरे में ही रह करके इसको एक प्रकार से सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है ना, और इसने इस बात पर फोकस किया है कि भले ही इस विवाद के राजनीतिक और धार्मिक निहितार्थ हो सकते हैं, लेकिन वह इस मुद्दे को बेहद जटिल जमीन विवाद ही मानकर चलेगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन है तो पूरी तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको कानूनी दायरे में रहकर ही इस डिसीजन को लिया गया है, ना कि भावनात्मक या कि धर्म से प्रेरित होकर के, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इसको बेहतर डिसीजन माना जा सकता है, और सभी पक्षों के प्रकार से सेटिस्फैक्शन भी इसमें देखने को मिल रहा है ना। यानी कि दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं कि जो निर्णय आया है अयोध्या विवाद का, तो इसको बात की जाए तो इतिहास और धर्म के बारे में जो व्याख्यान देने वाले लोग थे, तो उनका जो जरिया बनाने के बजाय धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में देखने का ये कह सकते हैं कि स्पष्ट प्रयास माना जा सकता है इसको है ना, कि इसको किसी धर्म से जोड़ करके या अन्य चीज़ों से जोड़ने के बजाय कैसे धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से इसको इस फैसले को देखने की जरूरत है। और जैसे बात करते हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले आए थे उस मामले में यदि देखा जाए तो उस फैसले में कुछ विवादित जैसे जो ज़मीन थी तो उसको जो तीनों जो याचिकाकर्ता थे तो उनको जो है तो वन थर्ड दे दिया गया था है ना, तो उनके बीच बांट दिया गया था। लेकिन जो व्यावहारिक तौर पर जो इस पर हम बात करते हैं कि एक
तिहाई, जिस प्रकार से निर्मोही अखाड़े को एक तिहाई जो है तो हिंदू परिषद को मिली थी, और एक तिहाई जो है तो सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड को इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में मिली थी। लेकिन ये बात यहाँ पर सेटर के द्वारा की गई कि ये जो डिसीजन हुआ था तो इस डिसीजन से जो है तो एक तिहाई और एक तिहाई यदि बात की जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो है तो लगभग 2/3 जो है तो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को मिल गया था ये जो ज़मीन थी मिली थी ना, जबकि 1/3 जो है तो सिया जो यानी कि जो मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड तो उसको मिला था, उसको कुछ को दिया गया था। हालांकि उस फैसले में जो है तो ऐतिहासिक तथ्यों की कमी देखी गई थी है ना, साथ ही साथ जो है तो धर्मशास्त्र के विवरण काफ़ी ज़्यादा उसमें देखे गए थे, यानी कि वो जो डिसीजन इलाहाबाद हाईकोर्ट का था तो उसमें धर्म को ज़्यादा वरीयता दी गई थी, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य जो थे उनको थोड़ा सा अवहेलना की गई थी है ना। लेकिन जो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसने जो अपने फैसले में कह सकते हैं कि जो न्याय क्षेत्र की जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उस पर कम दबाव डाला है ना, यानी कि उसने कानूनी उसको ज़्यादा वरीयता दी है कंपेरिजन की धर्म के उस पर। अब इसके बावजूद भी अब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे कि यानी कि एक सवाल उठ भी सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आखिर अंतिम निष्कर्ष तक आखिर किस कैसे पहुंचा, उसके क्या आधार हो सकते हैं। निश्चित तौर पे लोगों में सवाल इसके खड़ी होते हैं है ना। तो यदि देखते हैं कि समूची जो विवादित ज़मीन है तो आखिर उसके जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो पूरा जो 2.77 एकड़ की ज़मीन है विवादित जो डिस्प्यूटेड एरिया था तो उसको जो है तो पूरा जो है तो इसको मतलब कि रामलला को उस पर दे दिया गया है ना। तो आखिर इसके पीछे क्या आधार है, तो इसके बारे में जैसे बात करें तो इस फैसले के तहत जो पहुँचेगा आखिर तर्क जो है तो उसमें भी कुछ समस्याजनक बिंदु देखने को मिलते हैं हालांकि है ना। जैसे कि पहला इसमें कुछ मतलब राइटर ने जिक्र भी किया है कि पहला तो ये है कि जो मुस्लिम समुदाय के जो दावे हैं तो उसमें जो संभाव्यता का जो संतुलन उसके आधार पर पूरी तरह से उसको नकार दिया गया है ना। और उस इसलिए थोड़ा सा ये जो कंक्लूजन या निष्कर्ष जो आया थोड़ा सा ऑड लगा है, क्योंकि जो हिंदू पक्षकार थे तो उन्होंने भीतरी परिसर में तो लगातार मतलब कि पूजा रहने का सबूत कभी पेश ही नहीं किया था यदि बात की जाए तो। वहीं आशंका इस बात की भी देखी जा रही है कि जैसे संभाव्यता का संतुलन है ना, तो उसको लागू करने को कुछ तबके इस रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे न्यायालय ने अयोध्या की जो अंतिम स्थिति है उसके बारे में राजनीतिक विमर्शों को भी ध्यान में रखा है ना, इससे तो इस पर भी मतलब कि इसको भी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी दी गई है। दूसरा ये भी प्रश्न उठ सकता है कि न्यायालय का ये मत जो है तो समूची जगह एक यौगिक इकाई है ना, लिहाजा उसमें किसी भी तरह का विभाजन नहीं हो सकता है ना, तो इस दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं। वैसे यदि बात की जाए जो पिछले सदी में जैसे बात की जाए तो जैसे इसमें देखें कि इस तरह के जो ज़मीन का बंटवारा एक ऐतिहासिक परंपरा रही है कि जो जब्ती वगैरह वाला सिस्टम था है ना। और थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन ये भी मतलब कि होता है कि न्यायालय में जो विवादित स्थल है उसको दो हिस्सों यानी कि भीतरी और बाहरी परिसर के रूप में देखने का प्रयास किया है यहाँ पास है ना। और इसने कहा भी कि जो बाहरी परिसर है उसमें हिंदुओं की पूजा के रिकॉर्ड तो मौजूद हैं लेकिन मुस्लिम पक्ष भीतरी परिसर में लगातार इबादत होने की बात साबित नहीं कर पाया है ना। बाहर तो हिंदुओं का ये दावा पुष्ट होता था उसमें वहाँ पास, लेकिन अंदर का जो भाग था तो वहाँ पर जो है तो मुस्लिम पक्ष का दावा कमज़ोर रहा है ना, उसने नहीं इसको प्रूव कर पाया है। हालांकि बात की जाए कि ये ज़्यादा व्यापक है कि जो दोषपूर्ण होते हुए भी इस फैसले में यह क्षमता है कि लंबे समय में हालांकि ये संतुलन का काम कर सकता है ना। और इस मामले को एक प्रकार से बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने पे मतलब कि ये महत्वपूर्ण भूमिका इस निर्णय के हम मान सकते हैं ना। इस संदर्भ में जैसे विवाद से जुड़े सभी हितधारक और राजनीतिक दल भी है तो इस बात के मतलब उनको भी एक बेहतर तरीके से उन्होंने भी यहाँ पर इस प्रकार से संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जो कि निश्चित तौर पर काफ़ी सराहनीय रहा कहा जा सकता है कि सभी ने एक प्रकार से जो इस प्रकार का जो सियासी माहौल था ना तो उसमें संतुलन बहुत ही बेहतर तरीके से स्थापित किया है जो कि समरसता की भावना को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जा सकता है। साथ इवन प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपना बेहतर तरीके से उन्होंने भी जो तो एक प्रकार से सामाजिक समरसता और एकता है ना सुनिश्चित करने के लिए जो है तो अपने देशवासी देश के नाम संबोधन में भी जो है तो सभी को मतलब स्पष्ट तौर पर भी कहा है उन्होंने कि यहाँ पर ये जो डिसीजन आया है तो इसको हार और जीत के रूप में लेने की जरूरत नहीं है ना, उसको इस दृष्टिकोण से ना देखें। और ये भी उम्मीद कर जाते हैं कि मंदिर के जो ट्रस्ट का गठन और प्रबंधन भी इसी तरह समावेशी होगा है ना, और उसमें जो है उन जख्मों को दोबारा हरा करने वाला जो विजुलस ना हो है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पर जो जैसे कि वहाँ पास 2.77 एकड़ जो ज़मीन थी है ना डिस्प्यूटेड वाली तो वो दे दी गई है उनको। और जो बाकी का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो उसको जो दिया गया है तो वो दिया गया है उनको 5 एकड़ अलग से वहीं ज़मीन देने की बातें हुई हैं है ना उसके उनके लिए कि मस्जिद बनाने के लिए दी जाए। तो ये जो 5 एकड़ की बातें हुई हैं तो यहाँ पास जो है तो पहली बात तो ये जो 2.77 एकड़ की बातें है तो इसको जो है तो सरकार को दिया गया है कि 3 महीने के अंदर सरकार जो है ट्रस्ट बनाए रामलला जो है तो उनके लिए जो है तो मंदिर से संबंधित उसके लिए 3 महीने के अंदर जो है तो ट्रस्ट बनाया। साथ ही साथ यहाँ पास निर्मोही अखाड़े के एक मेंबर को भी इस ट्रस्ट में रखने की बात उन्होंने की है।
वहीं जो है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए 5 एकड़ ज़मीन या तो उस जो 67 एकड़ जो ज़मीन थी वो जो सरकार ने अपने अंडर में ले ली थी, तो या तो उसमें से 5 एकड़ दे या अयोध्या में अन्य कहीं उचित स्थान पे जो है तो उनको मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाए। इस तरह का मतलब कि उसने फैसला किया। तो इस यहाँ पे अब सरकार की भी उससे भी उम्मीद की जाती है कि जो है तो एक प्रकार से समावेशी दृष्टिकोण से जो है तो इसमें भी फैसला बेहतर तरीके से ले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि और संतुलन स्थापित हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ बात करते हैं कि जैसे कि विवादित ढांचा का जो 1992 में ये घटना घटी थी, उसको ढहा दिया गया था मस्जिद को, तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जैसे कि बात की जाए कि न्यायालय को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जैसे कि हालांकि ये जो मामला है मंदिर को मस्जिद को जो ढहाने का जो मामला चल रहा है, तो हालांकि आज भी चल रहा है कि जो लोग इसके आरोपी हैं तो उसका उनका मामला जो है तो लखनऊ के सत्र न्यायालय में चल रहा है ना, और दोषी जो हैं तो उनको सज़ा के लिए जो चल रहे हैं। तो इसमें भी मतलब कि राइटर के द्वारा कहा गया कि जो न्यायालय को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें भी जो है तो उस उन मामलों को भी निपटारा जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ दोषियों को भी सज़ा देने की दिलाने की ज़रूरत है ना। तो ऐसा होने पर ही जो जी अयोध्या विवाद सही मायनों पर जो तो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो पाएगा, है ना, और भारत भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। तो कानून को लागू किया जाना चाहिए और तभी राष्ट्रीय राजनीति अयोध्या की गहरी छाया से निकल सकती है। और तभी यानी कि राइटर का मानना है कि जब इस तरह के पूरे जो मामले हैं, है ना, बेहतर तरीके से इस डिस्प्यूट को तभी सॉर्ट आउट किया जा सकता है जब ये जो बाबरी मस्जिद को ढहाने के वाले जो लोग थे उनको सज़ा दिलाई जा सके। साथ ही साथ जो ट्रस्ट वाला उसमें था तो उसमें से जो ज़मीन का आवंटन के मामला भी 5 एकड़ की बातें हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा समावेशी दृष्टिकोण से उनको भी किया जाए, तो संतुलन के हिसाब से बात की जाए तो निश्चित तौर पे पूरी तरह से जो है तो सभी को समरसता के भाव से संतुलित दृष्टिकोण से सभी पक्ष जो है तो संतुष्ट होंगे और इस मामले का पूरी तरह से यानी कि निपटारा हो सकेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल अपना है व्यक्ति समाज और मर्यादा। तो यदि हम देखते हैं कि जैसे ईमानदारी की बात की जाए तो ईमानदारी यहाँ पर मतलब बताया है कि ईमानदारी मात्र एक गुण नहीं है, है ना, बल्कि स्वस्थ आचरण माना जाता है इसको, है ना। जैसे कि ये एक परस्पर साहचर्य है, विश्वास प्रेम और प्रगाढ़ का एक पर्याय है ना, उसकी एक कैसे कह सकते हैं कि उसका समानार्थी इसको माना जा सकता है। व्यक्ति तो अगर अपने जीवन में ईमानदार है तो सहज ही लोग उस पर निश्चित तौर पर विश्वास करेंगे ही, है ना। ये तो मतलब कि पता ही होगा कि ईमानदारी की मतलब कि कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है, कितना ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो अगर हम अपने जीवन में कोई भी कार्य बेईमानी से करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर अपराध वो जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। एक कहते हैं ना कि वो अंतरात्मा की आवाज़ जो है तो एक तरह से वो कचोटती रहती है ना। तो इससे जो है तो कोई व्यक्ति यदि बेहतर तरीके से ईमानदार व्यक्ति है तो निश्चित तौर पे वो कभी मतलब कि इस तरह के काम या बेईमानी जैसी उसमें जो है तो प्रवृत्तियाँ नहीं देखने को मिलेंगी, है ना। अब देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बात करके हम ईमानदारी को अपनी जीवन शैली का अनिवार्य अंग बनाएं, ऐसी मतलब कि वर्तमान समय की ज़रूरत भी है और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। इसके लिए क्या कि मतलब इसके लिए जो तो ये तो ईमानदारी की जो वैल्यूज़ ईमानदारी की जो चीज़ें तो ये एकाएक नहीं आती हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने पिछले आर्टिकल में भी मतलब कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से हमारे वैल्यूज़ डेवलप होते हैं, है ना। तो उसी तरह से तक ईमानदारी की जो वैल्यूज़ है तो ईमानदारी भी कोई एकाएक नहीं होती है। ईमानदारी भी जो हमारी होती है ये फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो होती हैं तो ये हमारे परिवार से, हमारे समाज से, है ना, और संस्थानों के साथ इनसे धीरे धीरे ये डेवलप होती हैं ना। तो यही है कि यदि आपको मतलब कि परिवार में मोस्टली तो 6 से 7 साल में जो होती है ये चीज़ें जो वैल्यूज़ होती है ज़्यादा तीव्रता के साथ डेवलप होती हैं बच्चों में, है ना। तो जब पेरेंट्स इनके साथ मतलब कि उनको इस तरह के मतलब कि जो ईमानदारी जैसी वैल्यूज़ को सिखाया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये आप में वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी और धीरे धीरे उसका और ज़्यादा ग्रो होती जाएगा, है ना। तो परिवार, समाज और संस्थानों को अनुशासित तथा ईमानदार जीवन निर्माण के तत्वों की स्थापना के लिए भी कार्य करने की ज़रूरत है ना। और इसके लिए बहुत कुछ किए जाने की भी जरूरत है। साथ ही साथ जैसे समाज है, संस्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि अनुशासन और ईमानदार जीवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सके। वहीं हम अपने दैनिक जीवन भी जैसे रोज़ ऐसी घटनाएँ देखते ही रहते हैं कि जिनमें लोग काफ़ी ज़्यादा एक कर्तव्य और दायित्व से अपने विमुख होते जा रहे हैं, है ना। यानी कि उसमें उनमें इन चीज़ों की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है ना। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मूल्यों का पतन होता जा रहा है, कई कर्मचारी भी अपने कार्यालय में जैसे कि देर से आना उनका, है ना, यानी कि कह सकते हैं कि उनको पंक्चुअल ना होना, अगर पूछने पर दोष किसी और पर मार देते हैं, यानी कि अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को ना देख करके दूसरों पे दोषारोपण कर देना, है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से हमारे जो मूल्य हैं तो वो किस प्रकार से उनका पतन हो रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि ये जैसे छोटे छोटे हमारे कार्य, हमारे व्यवहार है, हमारे आचरण है ना, तो ये जो है तो हमारे अंदर जो है तो भ्रष्ट आचार व्यवहार की नींव डालते हैं। हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पर इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है
तो जब कोई बच्चा अपने मतलब कि घर में होता है, जब माँ उसकी उनके यानी पेरेंट्स होते हैं, तो कोई भी चीज़ जब सामने मतलब कि उस बच्चे की नज़र उसने तो देख लिया है ना। जैसे कि कोई बात करते, कोई भी चीज़ रखी हुई है, एक खाने वाली है, कोई भी चीज़ हो है ना, तो यहाँ पास जैसे कि रखी हुई है तो कोई भी चीज़, लेकिन यहाँ पास बच्चा तो देख रहा है उसको, लेकिन माँ उसको माँ जो है तो उसको मना कर रही है, बोल रही है कि बेटा ख़त्म हो गई है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब ये नहीं है तो यहाँ पास से एक प्रकार से पहली बात, तो यहाँ पास इस बच्चे को देख रही है, मतलब कि ये बच्चा तो इस चीज़ को देख रहा है, लेकिन पहली बात तो यहाँ से जो है तो बच्चे में झूठ बोलने की जो कह सकते हैं कि प्रवृत्ति है तो वो डेवलप हो गई है ना। यहाँ पास से जब वहाँ पास दिख रही है वो चीज़ें, लेकिन माँ उसको मना कर रही है, यानी कि झूठ बोलने को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। वो जान रहा है कि ये चीज़ें हैं लेकिन माँ मेरे को नहीं दे रही, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि झूठ बोला जा रहा है। तो यहाँ पास एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे हालांकि जो हमारी फैमिलीज है ना, ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज जो भी ये दिए जाते हैं, फैमिली जो भी वैल्यूज देती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि क्या किस प्रकार की एटमॉस्फेयर में है ना। तो उसी प्रकार यदि हम आगे देखें कि अब जैसे कि बात करते हैं कि ये चीज़ें हैं जो हैं, तो यदि बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि वातावरण बेहतर, शिक्षित सुशिक्षित सभ्य समाज हो, तो वहाँ पर जो इस तरह की चीज़ें अनुशासित ईमानदार जीवन शैली मतलब कि उसकी नींव रखी जा सकती है ना। और यदि बात करें कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, तो उसको भी जो है तो अपने पुराने जो हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं जो अनुशासन ईमानदारी जैसे जो गुण थे, तो उन चीज़ों को भी एक प्रकार से हमें फिर से लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वर्तमान समय में इस चीज़ को देख भी सकते हैं किस प्रकार से जो है, एक प्रकार से या तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यताओं का या कि अन्य चीज़ों से जो है तो एक प्रकार से लोग वैल्यूज़ को एक प्रकार से खोते जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए जाने की ज़रूरत है ना। जैसे कि वर्तमान मानसिकता एक क्या है कि एक ज्ञानवान समाज के मुकाबले धनवान समाज को ज़्यादा महत्वपूर्णता देती है ना। जैसे कि कोई भी यानी कि कोई कितनी भी ज़्यादा एलाइट वर्ग हो, कितनी भी क्वालिटी उसमें हो, क्यों ना हो, है ना, लेकिन जो आजकल जो है तो पैसा या पूंजीवादी प्रवृत्ति जो है, भोगवाद प्रवृत्ति जो है, तो ये ज़्यादा एक प्रकार से हावी होती जा रही है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में जो एक प्रकार से व्याप्त बेईमानी और अन्य सामाजिक समस्या है, उसका एक इसको एक मूल कारण के तौर पर माना जा सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश करे। हर व्यक्ति एक प्रकार से यदि आप बेहतर आदर्श प्रतिमान स्थापित करेंगे, तो एक प्रकार समाज में एक उसका एग्जाम्पल सेट होगा, और निश्चित तौर पर जो है तो ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पर उससे जो है तो बहुत सकारात्मक परिणाम समाज में देखने को मिलेगा लोगों में, है ना। यदि हम अब भ्रष्टाचार की बात करके, आज जैसे हमारे समाज में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जीवन का एक हिस्सा सा बन गया है भ्रष्टाचार, है ना। बिना इसके तो किसी काम की एक प्रकार से कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम छोटी सी बात ही केयर करते हैं कि आज तो जो है तो लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, है ना। पैसे मतलब कि भ्रष्टाचार कोई एक इसे पैसे का ही भ्रष्टाचार नहीं होता है, बल्कि हमारे मूल्यों का, हमारे कार्यों का, हमारे व्यवहारों का, इन चीज़ों में भ्रष्टाचार, छोटी छोटी चीज़ों का भी, है ना, ये भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार का स्वरूप ही है, इसको माना जा सकता है ना। तो आज ये हर जगह ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें जो है तो एक प्रकार से हमारा पूरी तरह से समाज डूबा हुआ दिखता है ना। तो ये चीज़ें जैसे कि गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट ना करना, उसके लिए जो है तो दूसरों पे अपनी गलतियों को थोप देना, है ना। उदाहरण के लिए हम यहाँ पास एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर यहाँ पास जैसे बताया भी गया है कि किस प्रकार से जो है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, इसको भी भ्रष्टाचार माना जा सकता है। कि जैसे कि बात करते हैं कि अपने कोई भी छोटी सी गलती हो, जैसे कि दूध में पानी ही मिला देता है, मिला होता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते लोग, है ना, या मिला देते हैं, तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि आपकी जो एक तो यहाँ पास ईमानदारी का ही ह्रास हो गया है ना, कि आप जो है तो स्वयं के प्रति कितना ईमानदार हो, दूसरों के प्रति तो छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पास इससे ये भी चीज़ें व्यक्त होती हैं। साथ ही साथ यदि बात करते हैं कि आज जैसे भ्रष्टाचार के संदर्भ में ही बात की जाए, तो आज जैसे कि हर विभाग में एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है ना। जैसे अब व्यक्ति की जो पहचान है तो सिर्फ उसके पैसे से ही होती है, यानी कि पैसे का इतनी ज़्यादा महत्ता हो गई है कि एक प्रकार से ये नहीं देखा जाता कि उसने उस चीज़ को कैसे अर्जित किया है, किस प्रकार से उसका सोर्स क्या है, ये कोई नहीं देखता है। बस उससे मतलब है कि एक प्रकार से डायरेक्ट वो चीज़ें हो वर्तमान, उसको देखना मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्ता उस चीज़ को दी जाती है ना। तो इसके पीछे कारण भी हो सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो तो किसी न किसी रूप में ये कर भी रहे हैं, है ना, और जो नहीं कर पा रहा है वो इसके एक प्रकार से उसके लिए लगा भी है, प्रयास भी कर रहा है। तो जो आज पद की बात की जाती है, ये पद जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि रसूख के बावजूद जो ईमानदार है वह बिल्कुल ही आज के दौर में एक प्रकार से यहाँ पास कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महात्मा की तरह है,
पर दुर्भाग्य ये भी है कि ऐसे लोगों को कई बार परिवार समाज भी बर्दाश्त नहीं करता है ना। जैसे कि वर्तमान में जब हम कह सकते हैं कि लोभ लिप्सा की वजह से एक प्रकार से भ्रष्ट व्यवस्था शीर्ष पर विराजमान है और यह व्यवस्था देश के विकास में सभी बड़ी बाधा बन गई है, सबसे बड़ी बाधा बन गई है ना। तो देखते हैं जैसे कि ईमानदार बनने के लिए हमें अपनी उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा जो हमें चादर से ज़्यादा पांव फैलाने को उकसाती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो इसके पीछे कह सकते हैं कि जो कारकों में से कि हमारी इच्छा जो है तो एक प्रकार से बढ़ती जाना है ना, तो वही कह उतनी पाँव पसारी जेती लाबी सर। तो वही बात है कि यदि हमारी हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जो तो हम मतलब कि अन्य सोर्सों से ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो दूसरों के हक मार करके ज़्यादा अपना अपनी वृद्धि का प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो निश्चित तौर पर इससे जो तो कई जो नकारात्मक जो चीज़ें हैं तो उससे ज़्यादा उनको बढ़ावा भी मिलता है समाज में, है ना। तो जैसे कि बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान तो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पर ये हमारी ज़रूरत जब हमारी लगातार बढ़ती जाती हैं तो हमारी जो सारी शक्ति है उनकी पूर्ति में ही लग जाती है और हम जो है तो गलत रास्ते पे अलग अलग मार्गों से उनको पूर्ति करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह से जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम खुद के एक प्रकार से एक पैसा कमाने की मशीन बन जाते हैं, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे कि इन चीज़ों के बारे में बताएं किस प्रकार से जो है आज वर्तमान की पीढ़ी की बात करते हैं युवा काल में हमारे जैसे रचनात्मकता के स्वप्न हैं तो धरे के धरे रह जाते हैं, है ना। जैसे कि क्रिएटिविटी के एक प्रकार से मौका ही नहीं मिल पाता है, हम एक इस मशीनी या पूंजी मतलब कि पैसे के कमाने की उसमें कितना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, है ना, कि पूरी क्रिएटिविटी जो है तो पूरी वो ऐसी ही नष्ट हो जाती है। नतीजन की आज जैसे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में जैसे सच्ची निष्ठा ईमानदारी इन चीज़ों का स्पष्ट तौर पर अभाव देखा जा सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन के प्रत्येक पक्ष के असली मकसद से जुड़े, असली मकसद ही इंसान को सफलता के पथ पर अग्रसर उसकी प्रगति को चिरस्थायी बनाता है ना। वहीं ये तो निश्चित तौर पे ये ध्रुव सत्य है कि ज़िंदगी की शुरुआत शून्य से होती है और शून्य पर ही ख़त्म हो जाती है, है ना। तो अंत में हमारा मूल्यांकन तो सिर्फ हमारे कामों से ही होता है, उसी के दम पर हम यानी कि हम याद भी किए जाते हैं, है ना, ना कि पैसों की वजह से। आज निश्चित तौर पे आज जो भी शख्सियत जितनी भी मतलब कि महात्मा गांधी की बात की जाए, स्वामी विवेकानंद की ही बात की जाए, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, दयानंद सरस्वती की बात की जाए, कोई भी हो, तो आज जो है इनकी वैल्यूज़ आज इनको समाज में लोग नाम जाना जाता है, आज उनको कितने मतलब कि कई सदियां बीत चुकी हैं, है ना, तो फिर भी जो है तो आज इनका नाम जो है समाज में एक प्रकार से अमर सा हो गया है। तो इनको इनकी इन्हीं वजह से जाना जाता है, इनके मूल्य इतने हाई रहे हैं ना, इन्होंने समाज में जो है तो काफ़ी अपने उच्च आदर्शों के साथ जो है तो एग्जाम्पल सेट किए, इसीलिए आज जो है समाज इनको बेहतर तरीके से आदर्श नज़रिए से देखता है, है ना। तो हर इंसान का एक दायित्व भी बनता है कि वह जब तक जिए इस संसार में अच्छे कर्म करे, ताकि जब वह इस संसार से विदा हो तो पूरा जग उसके लिए ही रोए, है ना। तो अच्छे कर्मों की यह सोच हमें सत्य और ईमानदारी की राह की ओर उन्मुख करेगी और इससे हमारे अंदर समाज और राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा भी उपजेगी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे समाज में हर जगह भ्रष्टाचार ही है। यदि हम पैरेटो के सिद्धांत की बात करते हैं तो पैरेटो का सिद्धांत क्या कहता है? पैरेटो का सिद्धांत वही 80-20 की बात करता है कि यदि हमारे यदि बात करते हैं कि किसी भी विभाग या कहीं भी यदि 80% बेईमान लोग हैं तो 20% जो हैं तो उस बेईमानी को एक प्रकार से उसके जो फुलफिल करने के लिए जो है ईमानदार भी लोग हैं, है ना। यानी कि ये जो मेन यदि बात करते हैं कि जो पूरा जो डिपार्टमेंट जो है या पूरा जो तंत्र है तो उस तंत्र को ये 80% यदि उसको ख़राब कर रहे हैं तो 20% उसको एक प्रकार से रिबिल्ड कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते कि पूरा जो समाज है तो पूरी तरह से नकारात्मकता से ही भरा हुआ है, पूरी तरह से मूल्यों का पतन ही हो गया है, ऐसा भी नहीं है, है ना। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो कि एक प्रकार से अपनी कह सकते हैं कि जो अपने आदर्शों से अपने अच्छे कामों से जो तो समाज में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और नाम भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक प्रकार से अपना उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि बात करते हैं कि अगर व्यापक रूप में देखो तो ये निष्कर्ष भी निकलता है कि समाज में नैतिकता और मर्यादा का तेजी से क्षरण हो रहा है। हालांकि जिस प्रकार से जो उनकी मात्रा है तो कम देखी जा रही है, इसीलिए जो तो 80% ये जो ज़्यादा इनकी मात्रा देखने को मिल रही है तो ये जो तो समाज में एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा जो है तो इसको ये नकारात्मकता की मात्रा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, है ना। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि इससे देख सकते हैं जिस प्रकार से नैतिकता मर्यादा का तेजी से ह्रास हो रहा है, हम जैसा सोचते हैं जैसे वैसा, यानी कि वही महात्मा गांधी का भी ये कथन है कि व्हाट यू थिंक यू विल बी, यानी कि जैसा हम सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे, है ना। तो समाज में भ्रष्टाचार की उपज एक दिन में ही नहीं हुई, बल्कि ये तो एक प्रकार से सब कुछ नया भी नहीं है, ये तो कई मतलब कि पहले भी ये चीज़ें देखने को मिलती रही हैं, है ना। ये सब जो है तो कम या ज़्यादा हर जगह हर समय विद्यमान ही रहा है,
ना, अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो एक साथ, मतलब कि ये चीज़ें तो समानांतर ही चलती है, साथ ही रहती हैं, है ना। जरूरी नहीं कि पूरी तरह से हर चीज़ें अच्छी ही अच्छी होंगी, उसमें से यदि सकारात्मकता है तो नकारात्मकता होगी, अच्छाई है तो बुराई होगी, ये चीज़ें तो साथ में चलती चलती हैं, है ना। तो बल्कि यदि हम बात करते हैं कि यदि बात करें यहाँ पास कि समाज में चूंकि नैतिकता का स्तर पहले अप्रतिम था तथा अनैतिक कार्यों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था, पर समय के साथ यह स्थिति बद से और बदतर होती गई, है ना। तो अब इसमें यदि देखा जाए कि देखते हैं कि जैसे ब्रिटिश काल की बात की जाए तो ब्रिटिश गुलामी को भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, पर दोषी ठहराने से अब यह बात गया कि उसमें भी कोई मतलब उसका ज़्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं कि देश तो एक प्रकार से हम ही उसको मतलब कि कर रहे हैं उसकी संरक्षक के तौर पर, तो इसलिए एक प्रकार से ये प्रवृत्ति जो है तो एक प्रकार से 200 वर्षों की गुलाम जो मानसिकता है, सामंतवादी प्रवृत्ति है, तो इन चीज़ों को भी एक प्रकार से उनकी उपज के तौर पर इसको देखा जा सकता है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी तो हमारा समाज, हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को माना गया है ना। राइटर के द्वारा यहाँ पास बात की है कि जो आधुनिक समाज जो है तो एक प्रकार से वो धनिकों को ही ज़्यादा योग्य मानते हैं, है ना। चाहे वह धन किसी भी प्रकार से कमाया हुआ हो, शीघ्र धनवान बनने और चमक दमक को ही ज़्यादा तरक्की समझ लेने की मानसिकता ही हमें गलत करने को उकसाती है ना। हम इसको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर यहाँ पास ये देख सकते हैं कि जैसे कि आज हम देखें कि हमारा एक प्रकार से जो माइंडसेट है ना, तो हमारा माइंडसेट भी कुछ इस प्रकार से हो गया है कि इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता है, पूंजीवाद की बात की जाए तो, है ना। और जो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपनी जो मर्यादा है, अपने आदर्श हैं, तो इन चीज़ों को जो है तो हम कह सकते हैं कि हेय दृष्टि से देखते हैं, है ना, उनको एक प्रकार से हीन भावना से देखते हैं हम। और इसके पीछे निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था का हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पर देखते हैं किस प्रकार से ये जिम्मेदार है ना। तो इसे हम यहाँ पास देखें कि जैसे हम बात करें कि जो यहाँ पास हम लोग मतलब कि पढ़ते हैं, तो यहाँ पास जैसे कि बात की कि वहाँ पास कोई यदि एक किसान की फ़ोटो हो, है ना, एक किसान की फ़ोटो दिखाई जाए और एक कोई टाई बेल्ट लगाया व्यक्ति हो, ठीक है, वो भले उसकी क्वालिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, क्वालिफिकेशन में खाली उसके हम पहनावे ड्रेसिंग सेंस की बात ही की जाए, तो उसके लिए इस उस पर दिखाया जाए, तो यहाँ पर जो है तो यदि उसमें जो हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है तो उसकी जब जेंटलमैन की परिभाषा आती है, जेंटलमैन के बारे में बताया गया, तो उसको इंडिकेट इधर किया जाता है, तो इससे जो है तो जो एक प्रकार से इससे किसान का बेटा भी होगा तो उसके लिए अपने पिता कभी भी जेंटलमैन नहीं बन सकते हैं, उसके लिए तो जेंटलमैन की जो परिभाषा बताई गई है, जेंटलमैन के जो डिफिनेशन उसका इंडिकेशन बताया गया है, तो ऑलवेज टाई बेल्ट बेल्ट प्रोफेशनल बंदा यही जेंटलमैन हो सकता है। और ये हमारे बचपन से ही जो है तो हमारे एक प्रकार से चेतना में ये चीज़ें ठूंस दी जाती हैं, और जब बंदे को यही चीज़ें बताई जाएंगी तो कभी भी अपने पेरेंट्स को कभी भी जेंटलमैन नहीं समझ सकता है, भले ही वो जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट समझ गया है, लेकिन वो जेंटलमैन को जो उसका नज़रिया है तो निश्चित तौर पर यही बना रहेगा ना। तो ये चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो समाज में नकारात्मकता की भावना को, इन चीज़ों के बारे में एक प्रकार से कह सकते हैं कि हे दृष्टि की भावना को ज़्यादा ये बढ़ावा दे रही हैं, है ना। वहीं शीघ्र धनवान बनने और चमक दमक को ही एक प्रकार से तरक्की समझ लेने की, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो एक प्रकार से ज़रूरत है कि इन चीज़ों को एक प्रकार से और भी ज़्यादा कुछ सार्थक प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। और जैसे समाज में ईमानदारी, निष्ठापूर्वक कार्य व्यवहार, उनकी स्थापना के लिए ज़रूरी ये भी है कि भ्रष्ट परिस्थितियों के निर्माण के मूल में काम करने वाली जो विकृति मना स्थिति है उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव किए जाने की ज़रूरत है ना। अन्यथा एक समस्या का उपचार होने से पहले ही अन्य कई समस्याएं उठ जाती हैं, तो हमें इन समस्याओं के एक प्रकार से इंटीग्रेटेड तरीके से हैं जो तो इनको जो समूल विनाश के लिए उनकी जड़ तक हमें प्रयास करने की जरूरत है, उनकी जड़ तक पहुँचे, है ना। तो उनके मूल स्रोत को ही हम नष्ट कर देंगे तो निश्चित तौर पर वो समस्याएँ जो हैं तो दोबारा उस तरह की समस्याएँ देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए ज़रूरत यह है कि जैसे जनमानस तो उनमें जड़ जो ये एक प्रकार से निकृष्ट स्वार्थपरकता को जो जो जड़ें जमा चुकी हैं ना, इस प्रकार की भावनाएं जो है तो स्वार्थपरकता की ये भावना जो जड़ कर गई हैं, तो इनको नष्ट करके एक प्रकार से चरित्र निष्ठा की उच्च स्तरीय आस्थाओं का प्रतिमान स्थापित किए जाने की जरूरत है ना। यानी कि बेहतर तरीके से उच्च आदर्शों की स्थापना की जरूरत है। वहीं राष्ट्र, समाज और संगठन के प्रति ईमानदार होने की बात भी है, ये जो तो हमारी चरित्र निष्ठा का एक महत्वपूर्ण पक्ष होना चाहिए। तो यही बात करते हैं कि ये सही है कि जैसे वर्तमान में हमारे देश में व्याप्त भ्रष्ट परिस्थितियों से कोई भी संतुष्ट तो नहीं है ना, तो लेकिन परिस्थितियों से निपटने के लिए ज़रूरी यह है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन हो, तो निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है ना। वहीं सरकारी हो या निजी दोनों तरह की जो संस्था है तो उनमें भी ईमानदारी की व्यवस्था कायम होने की ज़रूरत है। यहाँ पास एक ही पार्ट पे नहीं बल्कि दोनों जगह पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक प्रकार से प्रतिमान के तौर पर इनको देखा जा सकता है ना। वहीं इसके लिए जो है तो
संवैधानिक तंत्र यानी जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, उनको भी ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि समाज और व्यवस्था में ईमानदारी तथा पारदर्शिता से ही जो सभी कार्य संपन्न हो, यानी कि बेहतर तरीके से इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए, है ना। तो इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि सभी अपने स्तर पर ईमानदारी के सिद्धांत का प्रतिबद्धता से पालन भी करें, तो ईमानदार जीवन शैली को अपना कर ही हम एक सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। और यहाँ पर जरूरत ये भी है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि यदि हम अपनी बात करते हैं न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तो यहाँ पर जो है तो हम किस प्रकार से जो इन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, है ना, इन चीज़ों का उदाहरण पेश कर सकते हो, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले उच्च हमारे अधिकारी वर्ग या उच्च वर्ग जो हैं, तो उनको जो है समाज में प्रतिमान स्थापित करने की जरूरत है। प्रतिमान क्या, कि प्रतिमान कुछ ऐसे होते हैं कि समाज में जब एग्जाम्पल सेट कर देते हैं तब उन चीज़ों की एक्सेप्टेंस है, उसको जो है तो बड़ा तबका जो है उसको फॉलो करता है, तो निश्चित तौर पर इसके बहुत सकारात्मक परिणाम होते हैं। और निश्चित तौर पर राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसको एक बेहतर तरीके से सशक्त करने के लिए राष्ट्र निर्माण में ये महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित होगा। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ दोस्तों। तो ये आर्टिकल है कि जैसे कि जिस प्रकार से महिलाओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से या रोबोट्स वगैरह इनकी वजह से जो है तो रोज़गार में कमी देखने को मिल रही है, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल डिस्कस करता है। तो उससे पहले यहाँ पास हम कुछ थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यहाँ पास इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इसकी एथिकल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि जैसे कोई भी तकनीक होती है ना, तो उसका जो मूल्यांकन होता है तो उसके उपयोग और उसके जो सर्जक है उसकी नियति को देखकर किया जाना चाहिए, है ना। अगर मूल्यांकन का वर्गीकरण करने की बात की जाए तो उसको हम तीन उस पर बांट सकते हैं। उसमें से कैसे, पहला कि अगर स्वार्थ की दृष्टि से कोई सृजन किया गया है तो वह सिर्फ स्वयं का ही भला करेगा, है ना, इसको हम कह सकते हैं इगोस्टिज, है ना, इगोस्टिज्म अप्रोच इसको कह सकते हैं। वही अगर उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया गया है तो बहुतों का भला करेगा, यूटिलिटेरियन अप्रोच की बात की जा रही है। वहीं इन दोनों ही जो ये जो दोनों परिप्रेक्ष्य हैं उन्हीं में से किसी सृजन को यदि कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया माना जा सकता है, है ना, तो इसे टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण कहा जा सकता है। तो टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण की बात यदि हम करते हैं यहाँ पास, तो स्पेशली यानी कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ये जो अप्रोच होती है इसमें से ये डिपेंड नहीं करता है कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक, उसके परिणाम पर डिपेंड करता है। यदि उसका परिणाम सकारात्मक है तो वो भले ही उसका कह सकते हैं कि जो भी साधन रहा हो वो यदि गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि परिणामवाद इसको बोला जा सकता है कि परिणामवाद पे ज़्यादा फोकस करती है, है ना। तो वहीं हम बात करते हैं कि नैतिकता की दृष्टि से देखें तो नैतिकता की दृष्टि से किया गया जो सृजन जैसे कि हम डियोन्टोलॉजिकल दृष्टिकोण कहा जा सकता है, है ना। तो इसको ड्यूंटोलॉजिकल दृष्टिकोण की बात करें तो इसे कर्तव्य बोध भी कहा जा सकता है कहीं कहीं। तो कर्तव्य बोध वही कि जैसे कि बात करते हैं कि जो ये जो है तो कर्म करने के सिद्धांत पर ही फोकस होता है कि कर्म करो फल की इच्छा वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन। तो यही चीज़ है कि जैसे कि गीता का निष्काम कर्मयोग भी इसको मान सकते हैं ड्यूंटोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ज़्यादा क्या है कि जो सर्जक है तो उसको नियति पर ध्यान दिया जाता है, है ना, यानी कि उसके परिणाम पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, परिणाम ओरिएंटेड नहीं होता है, जबकि टेलियोलॉजिकल होता है तो ये परिणाम ओरिएंटेड होता है। यदि परिणाम सही है तो भले ही काम अनैतिक हुआ हो उसको नैतिक ही माना जाएगा, लेकिन यदि उसके परिणाम नकारात्मक मिलते हैं, गलत मिलते हैं, तो भले ही मतलब कि उसका साधन अच्छा हो तो उसको हम अनैतिक या गलत ही माना जाएगा, टेलियोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब हम चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ। तो ही आर्टिकल की बात करते हैं कि जिस प्रकार से ऑटोमेशन से औरतों की नौकरियां खतरे में, यहाँ पास देखते हैं कि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने बहुत से काम करने मतलब कि शुरू कर दिए हैं, हालांकि इसने तो क्रांति ही ला दी है। जैसे जिस प्रकार से बात करते हैं कि अपने इंडस्ट्री 4.0 की बात की जाए, है ना, तो यदि हम बात करते हैं कि एआई मशीन जो है तो ये आदमियों के स्थान लेने लगे हैं, तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल का यह हवाला दिया जाए, तो जिस प्रकार से ऑटोमेशन तीव्रता से बढ़ रहा है तो इससे जो है तो पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगी इससे, इस आर्टिकल में डिस्कस किया बताया गया है। क्यों, तो किस प्रकार से, तो इसमें देख सकते हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कुछ खास तरह की लिमिटेड उनके जो क्षेत्र तो उनमें वो काम करती हैं ज़्यादा बड़ी मात्रा में, है ना। तो एक मतलब की बात की अमेरिका में लगभग 94% सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो हैं वो महिलाएँ ही हैं, है ना। तो
ऑटोमेटेड असिस्टेंट, स्मार्टर ईमेल, कैलेंडर, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, तो उनका स्थान निश्चित तौर पर ले सकता है ना, क्योंकि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स वगैरह एक्टिव हो रहे हैं तो इन कामों के लिए तो वो इजिली इनको कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ से उनका रोजगार छीनने की ज़्यादा आशंकाएं देखने को मिल सकती हैं। वैसे AI से जुड़ी जो नौकरियाँ हैं उनमें भी औरतों की मौजूदगी बहुत कम देखने को मिलती है, है ना। आर्टिफिशियल के क्षेत्र में बात करें तो इससे यहाँ पास एक देखते हैं कि इस आर्टिकल में थोड़ा सा एक मतलब कि नया डायमेंशन देखने को मिल रहा है। आगे इसको हम देखें कैसे, जैसे बात करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और लिंक्डइन के 2018 के आंकड़ों की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी नौकरियों में महिलाओं का हिस्सा बात की जाए तो वो मात्र 22% है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षेत्र है, जो भी रिसर्च है, जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उससे रिलेटेड जो जॉब हैं तो उसमें जो महिलाएं 22% काम करती हैं, और इनमें से भी वरिष्ठ पदों पर तो और भी कम देखने को मिलती हैं, है ना। अब AI तकनीक की बात की जाए तो उनके साथ जो प्रयोग करने और उन्हें लागू करने वाले तो पुरुष ही होंगे, तो एक किस्म का बेखबर पक्षपात होता रहेगा। यहाँ पास यानी ये बताया गया है कि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को बनाने में ही जो ज़्यादातर पुरुष ही इन्वॉल्व हैं, है ना। इस जो मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर एडिटोरियल का ये है कि जो ये AI तकनीक बनाई जा रही है, बनाने वाले ज़्यादातर पुरुष ही हैं, तो जब यू ही बना रहे हैं तो उनका जो अप्रोच होगा तो इनका कहने का तात्पर्य है कि वो एंटी मतलब कि कह सकते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होगा, है ना। ज़्यादातर उनको तवज्जो ना दी जाएगी, ज्यादा एक प्रकार से पुरुष के अनुकूल ही जो तकनीक है वो बनाई जाएगी, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है, है ना। तो एक प्रकार से इसीलिए यहाँ पर पक्षपात होता रहेगा और उनकी जॉब ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि संकट उनको जॉब को ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जैसे कि मशीनों को आदमियों से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ माना जाता है, है ना, ऐसा माना जाता है। लेकिन कैसे मतलब कहने का मतलब ये कि वो ज़्यादा मतलब कि एक्सेप्टेंस उनकी मानी जाती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निरपेक्ष उनको माना जाता है, ऐसा लोगों का मत है, मानना है, है ना। यानी कि वे लिंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती हैं, ये है वस्तुनिष्ठता का मतलब, है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिविटी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो निश्चित तौर पर बात करते हैं कि लेकिन आखिर जो उन्हें बनाने वाले तो इंसान ही हैं, है ना। तो मशीनों द्वारा भी जो भेदभाव की बात की तो भेदभाव नहीं कर सकती, ऐसा उनका मानना था। लेकिन यहाँ पास तो कह सकते हैं कि यहाँ पास तो फिर इस तरह में तो भेदभाव हो सकता है, है ना। जैसे कि बात करें कि इसके उदाहरण के तौर पर हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप कि पिछले दिनों जैसे अमेज़न जैसी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, तो वहाँ पास इसके कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं। वहाँ पास क्या हुआ था कि जो AI रिक्रूटमेंट टूल की जो नौकरी की भर्ती में जो महिला थी तो उनके मुकाबले जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा महत्ता दी जा रही है, है ना। वहाँ पास जो नौकरियों को मतलब नौकरियाँ दे रहा था तो वहाँ पास AI रिक्रूटमेंट टूल था, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। तो ये जो इसने क्या किया कि महिलाओं के बजाय पुरुषों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जॉब में, है ना। इसके बाद वहाँ पास भी अमेज़न ने हालांकि इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था इस टूल का, लेकिन ऑटोमेशन से जो महिलाओं की नौकरियाँ खतरे में पड़ेंगी या भारत के सिलसिले में भी एक प्रकार से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हैं कि मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि 2030 तक ऑटोमेशन के चलते लगभग 12 मिलियन औरतों की नौकरियों के मतलब जा सकती हैं, है ना। जिन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा असर होगा तो वे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कृषि है, वानिकी है, मत्स्य है, परिवहन और वेयर हाउसिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर हमारे भारत के संदर्भ में बात की तो कृषि से क्षेत्र की बात करते हैं, तो कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पास आएंगे, है ना। तो जैसे कि बात करते हैं जैसे कोई हम बचना है तो जैसे नौकरियों के इच्छुक लोगों को भी अपने कौशल में तो बदलाव करना होगा, है ना। जैसे कि वही बातें हैं कि हम इन चीज़ों से मतलब कि पहले से वो टेक्नोलॉजी से हम पहले से वाकिफ हो जाएं, है ना, उस तरह की स्किल हम अपने अपने प्रकार से डेवलप कर लें तो हम ये जो एक प्रकार से जो खतरा नौकरियों को जाने का है तो वो नहीं होगा, हम उनको एक प्रकार से उनमें चेंजेस ला सकते हैं, है ना। वहीं हमें एक प्रकार से बात करके जैसे महिलाओं की संबल भागीदारिता की बात की जाए तो वो लगभग 27% है, है ना। अब देखें उन्हें पहले ही अपने अपने कार्यक्षेत्र में पारंपरिक रुकावटों से जूझना पड़ेगा, पुरुषों के मुकाबले उनको कम वेतन भी मिलता है, है ना, और मतलब कि प्रमोशन में भी भेदभाव जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो वही यौन शोषण की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, है ना। तो भारत में हम बात करते हैं, भारत के संदर्भ में अब बात करें तो भारत में जिस प्रकार से महिला सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, है ना, इसलिए उनके रोज़गार जाने का ज़्यादा संकट देखने को मिल रहा है, है ना। जैसे कि बात करते हैं कि यहाँ पास भारत में कृषि क्षेत्र में जैसे श्रमशील महिला हैं तो उनका लगभग 60% हिस्सा है, है ना। भारत में श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में महिलाओं की है 60%, तो इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा कि औरतों का लगभग 28% रोज़गार तो खतरे में चला जाएगा, है ना, और पुरुषों का लगभग 16% जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए कि 1 से 11 मिलियन जो औरतें हैं तो उनको कृषि से क्या उसके उपाय क्या हो सकते हैं कि कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाए,
है ना, मतलब किस तरह कर किया जाए, तो उससे जो है तो इन पर कम ज़्यादा ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो उन्हें जो है तो अपने कौशल में भी मतलब कि बदलाव करना ही होगा निश्चित तौर पर, नई टेक्नोलॉजी के साथ तो कदमतर करना ही पड़ेगा। और ये तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं कि देश में जैसे खेतों से लेकर शहरों तक जो जिस प्रकार से औरतों के लिए नौकरियों की कमी और रोज़गार की कमी देखने को मिल रही है, तो खेतों में जैसे काम करने वाले मशीनों का इस्तेमाल भी हो रहा है ना, जिस प्रकार से अब यहाँ पास भी मशीनों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रहा है। अब वहीं मैनुअल वर्क यानी हाथ के काम करने वाली जो औरतें हैं उनका भी रोज़गार इससे छिन जाएगा निश्चित तौर पे, है ना। वहीं हम एक छोटे से हम उदाहरण के तौर पे ही बात करते हैं, तो जहाँ एक JCB जो होती है लगभग लगभग 100 मजदूरों को बराबर काम कर लेती है, तो यहाँ पास हम समझ सकते हैं कि जहाँ पास 100 मजदूरों को रोज़गार मिल सकता है, वहाँ पास एक मशीन ने किस प्रकार से 100 लोगों के रोज़गार को छीन लिया है। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पास भी देख सकते हैं, है ना। वहीं पास हम ट्रैक्टर की बात कर ले, तो हालांकि इस चीज़ को नकारात्मक संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी तकनीक और हमारी उत्पादन क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़गार के दृष्टिकोण से बात करते हैं, जीवन यापन के दृष्टिकोण से बात करते हैं, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो उसके हालांकि नए विकल्प भी कुछ मतलब कि आने आएंगे ही, लेकिन देखते हैं जैसे शहरों में छोटे कारोबार भी किस प्रकार से बंद हो रहे हैं, तो यहाँ भी जो तो रोज़गार महिलाओं की देखी जा सकती है ना। तो ये भी सच है कि लगभग 90% जो औरतें हैं तो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, है ना। पिछले कई सालों में जैसे आर्थिक नीतियों ने भी छोटे कारोबारी के लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा संकट खड़े किए हैं, है ना। तो इसका असर भी सीधे तौर पर महिलाओं के रोज़गार पर भी पड़ता है। तो इसमें जो है तो ऑटोमेशन जो है तो जो मतलब कि जो थोड़े बहुत रोज़गार बचे थे तो उसको भी जो तो ऑटोमेशन जो है तो वो भी मतलब कि और भी ज़्यादा उसको सेंसिटिव बनाता जा रहा है ना। तो औरतों के रोज़गार का तो एक प्रकार से ये भी बड़ा सवाल है कि इसी प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती रहीं, तो निश्चित तौर पर जो है तो रोज़गार में उनकी संकट खड़ा हो जाएगा। जिस प्रकार से आज देख सकते हैं कि जो इन क्षेत्र में कितनी ज़्यादा मतलब लिंग भेद की समस्याएँ देखने को मिल रही हैं, है ना, कि जहाँ जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो 50-50 का आंकड़ा होता है ना, लेकिन जब हम श्रम शक्ति के इस्तेमाल या उसमें रोज़गार की बातें करते हैं तो वहाँ पास भी जो आंकड़ा होता है तो लगभग 20 से 25 में ही सिमट के चला जा सकता है। वही हम लोगों ने अपने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पुलिस श्रम बल की बात की, तो पुलिस में लगभग लगभग जो महिलाओं की भूमिका की बात की जाए तो लगभग मात्र 7% पुलिस में भूमिका है। वहीं अधिकारी संदर्भ में बात की कि पुलिस अधिकारियों में तो वो मात्र 6% की, वो भी और भी ज़्यादा चिंताजनक बात देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से एक तो वैसे भी उनकी रोज़गार में, वहीं हम अपने राजनीतिक वर्ग की बात करें तो मात्र 12% के आसपास जो है तो महिलाएं जो हैं तो राजनीतिक पार्टियों में MP उस पर देखने को मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ पर इनकी कितनी कम भूमिका देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से जो है तो निश्चित तौर पर जो तो एक तो उनकी भागीदारी वैसे भी कम है और ऑटोमेशन जैसी समस्याएँ भी और भी एक प्रकार से उनके रोज़गार के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। तो ये बड़ा सवाल ही है, तो इसको भी मतलब कि इस दिशा में भी सरकार को प्रयास करने की ज़रूरत है ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।